व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ MIUI 13 प्लस Android 12 अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर फाइनली इंडिया में Xiaomi की तरफ से MIUI 13 का जो ऑफिशियल लॉन्च इवेंट है वो यहाँ पर रिलीज करा दिया गया। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से डिवाइस है वो देखने को मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये वाली लिस्ट है वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से रिलीज की गई है फर्स्ट बैच के लिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ कमाल के जो फीचर है वो आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना अगर आप लोग इंडिया में Xiaomi, Redmi एंड Poco डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मैं काफी लंबे समय से MIUI 13 प्लस Android 12 का जो अपडेट है ना वो अपना जो डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बता सकता हूँ कि MIUI 13 का आप लोगों का एक्सपीरियंस है ना वहाँ पर कैसा यहाँ पर होने वाला है। लेकिन गाइज, उससे पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 400 लाइक। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है सो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आपके डिवाइस के लिए जैसे अपडेट आएगा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं MIUI 13 प्लस Android 12 अपडेट के बारे में। आप लोग देख सकते हो मेरा जो डिवाइस है इसके अंदर MIUI 13 प्लस Android 12 का जो अपडेट है वो अभी करंटली रन कर रहा है, और Android 12 की जो एनिमेशन है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि Android 12 का जो अपडेट है वो भी इस डिवाइस के अंदर अभी करंटली रन कर रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज का जो लाइव लॉन्च इवेंट है उसके अंदर Xiaomi की तरफ से कौन कौन से यहाँ पर फीचर है ना जो कि यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेन किए गए थे। और सच में यहाँ पर ओनली 10 मिनट के लिए MIUI 13 का जो यहाँ पर आप लोगों को नेम है ना वो देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइस के अंदर आप लोगों को जो अपडेट है वो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो MI 11 अल्ट्रा, MI 11 एक्स प्रो, Xiaomi 11 टी प्रो, Xiaomi MI 11 एक्स, Xiaomi 11 लाइट एनी 5G, MI 11 लाइट, और इधर भी कुछ डिवाइस आप लोगों को मिलते हैं Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 और Redmi 10 Prime। चार आप लोगों को डिवाइस इस तरफ देखने को मिलते हैं। ओनली आप लोगों को 10 डिवाइसेज है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट बैच के अंदर। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो फर्स्ट वेव स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर 1 2022, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 मंथ है इन 3 मंथ के अंदर यहाँ पर जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा इन सभी डिवाइसेज के अंदर। और यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है इसके अंदर करंटली MIUI 13 का अपडेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल होके रखा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से फीचर है ना वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं जो कि यहाँ पर Xiaomi ने आज को जो लाइव इवेंट है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर शो किए थे। अब दोस्तों Xiaomi की तरफ से एक और यहाँ पर जो इमेजेज है वो यहाँ पर सामने निकल के आई थी कि MIUI 13 का जो ग्लोबल इंडिया का जो अपडेट है इसके अंदर कुछ और नए स्मार्टफोन है ना उनको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा इस लिस्ट के अंदर। आप लोग यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो हमारे चैनल के साथ में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंड पोस्टर के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MIUI 13 की ब्रांडिंग है, आप लोगों को यहाँ पर नया साइड बार है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लाइव वॉलपेपर है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, सुपर वॉलपेपर अभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आज बताया गया ना वो फीचर के बारे में नहीं बताया गया, आपके फोन की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 60% इंक्रीज्ड स्टोरेज एफिशिएंसी, फर्स्ट तो ये फीचर सामने निकल गया है। सेकंड वाला आप लोगों को फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड्स एंड हायर परफॉर्मेंस, तो ये वाला आप लोगों को मिल जाता है। और थर्ड और फोर्थ पे आप लोगों को सेम ही मिलते हैं, फोर्थ वाला आप लोगों को बैटरी लाइफ है उसके ऊपर देखने को मिलता है। और ये वाला एक कमाल का फीचर है ना वो मुझे ये लगता है 40% इंक्रीज्ड बैकग्राउंड प्रोसेस एफिशिएंसी। गाइस आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा जैसे आप लोग यहाँ पर गैलरी है उसके ऊपर ओपन करते हो, प्ले स्टोर को ओपन करते हो, यूट्यूब को ओपन करते हो, तो आप लोग देखते हो मैंने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन है उसको ओपन करके रखा था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यूट्यूब का जो पेज है ना वहाँ पर क्लोज हो जाता है और काफी यहाँ पर लंबा समय लगता है ओपन होने में। आप लोग यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल देख ही सकते हो, यूट्यूब यहाँ पर ऑन है, वाईफाई की स्पीड है वो भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ओपन होने में बहुत ही लंबा समय लगा रहा है। ये वाला यहाँ पर Xiaomi ने क्लेम किया है कि आप लोगों को MIUI 13 का अपडेट है इसके अंदर 40% ज्यादा आप लोगों को एफिशिएंसी है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये तो आएगी तब भी यहाँ पर पता चलेगा। अब आप लोगों को एक और पोस्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर ये कंपैरिजन तो दुनिया भर की सभी UI और OS के साथ में कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को परफॉर्मेंस और फीचर है ना वो एक भी
देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर iOS को कंपेयर किया गया है जो कि लेटेस्ट iOS 15.4 है। सेकंड आप लोगों को मिल जाता है सैमसंग का वन UI 4.0 जो कि मेरा जो डिवाइस है इसके अंदर इंस्टॉल है। इसके अंदर आप लोगों को 12 है फर्स्ट पार्टी एप्स है वहाँ पर मिलते हैं और iOS के अंदर आप लोगों को 11 मिलते हैं। सो इन्होंने दिखाने के लिए ओनली अपन 9 है ना वहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, लेकिन वो तो आप लोगों को पता ही है Xiaomi का जो डिवाइस है उसके अंदर आप लोगों को कितने फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आप लोगों को एक और पोस्टर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है इस वाले पोस्टर के अंदर जो कि आप लोगों को इस तरीके से मिलता है। अब दोस्तों आप लोगों को एक और पोस्टर है वो देखने को मिलता है Xiaomi की तरफ से जो कि है MIUI कोर एडवांटेज मतलब कि सुपर वॉलपेपर गेम टर्बो माइंड मैप्स इन नोट्स और कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर देखते हैं ये वाला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि ये वाला जो कंट्रोल सेंटर है इसको मैंने एप्स की मदद से यहाँ पर इनेबल किया है, वरना आप लोगों को पहले वाला जो कंट्रोल सेंटर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता। सो अब देखने वाली बात ये रहती है डायरेक्ट आप लोगों को MIUI 13 प्लस Android 12 का जो अपडेट है उसके अंदर आप लोगों को ये वाला यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है या फिर नहीं। और गाइज ये जो कंट्रोल सेंटर है वो यूज करने में काफी ज्यादा अच्छा है और सिमिलर आप लोगों को iOS से देखने को मिलता है। नीचे आप लोगों को एक म्यूजिक पैनल है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसकी वॉल्यूम आप लोग कम ज्यादा यहाँ पर कर सकते हो और नीचे आप लोगों पर ईस्टर एग वाला फीचर है उसको भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बात है ना वहाँ पर ये नोटिस की है कि MIUI 13 का अपडेट है उसमें यहाँ पर Xiaomi ने क्लेम तो किया है कि आप लोगों को लाइव वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कहीं पे भी सेटिंग के अंदर लाइव वॉलपेपर है ना वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसका ऑप्शन ही है ना वो ही आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। सो ये एक बेड न्यूज है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो चाइना का जो अपडेट है ना उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कैसे सुपर लाइव वॉलपेपर है वो देखने को मिलते हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पर जो लाइव स्क्रीन है उसके देख ही सकते हो लॉक स्क्रीन पे, उसके बाद में आप लोगों की जो होम स्क्रीन है उसके अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, थोड़ी ब्राइटनेस में ज्यादा कर देता हूँ। अब गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जैसे सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं फर्स्ट तो आप लोगों को एक नया ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, और मुझे पूरा यकीन है इंडिया के अंदर जैसे अपडेट आएगा तभी भी आप लोगों को ये वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ है ना वो देखने को मिलता है जो कि चाइना का अपडेट है। इसके अंदर आप लोगों को सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं, इफेक्ट आप लोगों को मिल जाते हैं, एज लाइटिंग वगैरह आप लोगों को सारा कुछ मिल जाता है। आप लोगों को फोन्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, अलार्म है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं और रिंगटोन भी मिल जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर बैक करता हूँ यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक है ना वो भी बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है MIUI 13 के अपडेट के अंदर। अब मैं आप लोगों को बता रहा था आप लोगों को इसके अंदर MIUI 13 के जो लाइव वॉलपेपर है वो देखने को मिलते हैं जो कि आप देख ही सकते हो कितनी वेराइटी है ना वो आप लोगों को चाइना का जो अपडेट है ना उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वाला मेरा फेवरेट है जो कि मैंने होम स्क्रीन है उसके अंदर यहाँ पर सेट भी करके रखा है। सो आप लोग देख सकते हो गाइस कितने सारे आप लोगों को वॉलपेपर है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये वाले आप लोगों को सारे क्रिस्टलाइजेशन के देखने को मिलते हैं, ये भी बहुत ही कमाल के लगते हैं जो कि मैंने अपनी जो लॉक स्क्रीन है उसके अंदर यहाँ पर सेट करके रखे। आप लोग देख सकते हो अगर कोई आपका डिवाइस देखेगा इन सुपर लाइव वॉलपेपर के साथ में तो यहाँ पर सच में इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन पता नहीं इंडिया के अंदर ये वाला फीचर है ना वो यहाँ पर कब तक मिलेगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना इसके अंदर मैंने MIUI 13 का अपडेट है वो तो यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन ये ग्लोबल का अपडेट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को MI देखने को मिलता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को MI देखने को मिलता है। MI मतलब कि आप लोगों को ग्लोबल का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और ये जो डिवाइस है इसके अंदर चाइना का ऑफिशियल अपडेट है। सो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे सुपर लाइव वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि एक कमाल की बात है, और भी इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे एडवांस फीचर है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो आप लोगों को नाम की ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को मुश्किल से ओनली यहाँ पर 10 से 11 जो यहाँ पर एप्स है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि Xiaomi के जो डिफॉल्ट एप है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, और इनको आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो मतलब कि यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हो। अब दोस्तों MIUI 13 का अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को एक और नया फीचर है ना वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है विजेट्स का, जो कि ना ही ग्लोबल के अंदर आया है और ना ही आप लोगों को इंडिया के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वो यहाँ पर जैसे आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं विजेट्स के अंदर। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर
स्वाइप करते हो। सो स्वाइप करने के बाद में आप लोगों को विजेट्स को ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों को तरह तरह के बहुत सारे नए जो विजेट्स है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी ये लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कितने सारे आप लोगों को यहाँ पर जो नए विजेट्स है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं। सभी को आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। एक मैं आप लोगों को यहाँ पर सेट करके बता देता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। और सेट करने के बाद में आप लोगों को जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो भी कमाल का है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से सेट करके बता देता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर रिमूव करूंगा आप लोगों को यहाँ पर एक एनिमेशन है वो देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से। तो ये पता नहीं इंडिया के अंदर कब तक आएंगे। और भी आप लोगों को जो MIUI 13 का अपडेट है इसके अंदर कमाल कमाल के जो फीचर है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि स्पेशल फीचर है इसके अंदर आप लोगों को इतने सारे जो फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो ग्लोबल का अपडेट है उसके आप लोगों को इतने जो चेंजेस है ना वो देखने को नहीं मिलते। थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो ये वाला आप लोगों को चाइना का अपडेट मिलता है और ये वाला आप लोगों को ग्लोबल। और इंडिया के अंदर जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है जो की कुछ इस तरीके से। आप लोग चेंजेस यहाँ पर देख ही सकते हो इसके अंदर आप लोगों को कितने फीचर मिलते हैं और इसके अंदर आप लोगों को कितने कम फीचर है ना वो देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप लोग यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ओपन कर लो, इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है सिक्योरिटी एप्लीकेशन का, तो इसको रिमूव करते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी तो दोनों को ही मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ज्यादा कुछ आप लोगों को चेंजेस नहीं मिलते हैं, सेम टू सेम आप लोगों को चेंज मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेफ्टी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन है इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। MIUI 13 का लेटेस्ट अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को इतने सारे चेंजेस हैं वो मिल जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को पुराना वाला ही देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को नई तरीके की एनिमेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो बैटरी को सो इसके अंदर भी बैटरी को ओपन कर लेते हैं, दोनों ही आप लोगों को सेम मिलती है। लेकिन यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को एक नया फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्टिमाइज चार्जिंग। सो इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप लोग हमेशा की तरह अपना फोन है उसको यहाँ पर चार्ज लगाते हो, चार्ज लगा लेना है उससे फोन है ना वो यहाँ पर आपकी जो जैसे आप लोग चार्ज लगाते हो उसको सीखेगा और आपकी जो चार्जिंग है उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेगा। सो इसके लिए ये वाला जो फीचर है ना वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है इस अपडेट के अंदर। हो सकता है ये वाला ऑप्शन है ना वहाँ पर थोड़े महंगे डिवाइस है उसके अंदर देखने को मिले, जो कि मिड रेंज डिवाइस है उनके अंदर देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और चेंजेस के बारे में जो कि मिल जाते हैं। सो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है इसके अंदर तो आप लोगों को देखने को ही नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर दोनों को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, दोनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलते हैं लेकिन इसके अंदर आप लोगों को एक नया नीचे फीचर है वो यहाँ पर मिल जाता है, मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो स्टेटस बार है चाइना का आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और इंडिया का आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। दोनों आप लोग साइड बाय साइड देख सकते हो इसके अंदर आप लोगों को कितने सारे चेंजेस मिल जाते हैं जो कि इसके अंदर आप लोगों को नहीं मिलते। अब आप लोगों को मैं एक चेंज है ना वहां पर बताना भूल गया ग्लोबल और चाइना के अपडेट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सेटिंग को ओपन करना है, दोनों की सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है, मोर को आप लोगों को ओपन करना है, नीचे की तरफ आप लोगों को स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद में आप लोगों को अरेंज आइटम इन रिसेंट दोनों को यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसके अंदर तो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखने को मिलता है और इंडिया के अंदर तो कुछ ऐसे डिवाइस है जिनके अंदर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन है ना वो भी देखने को नहीं मिलता है। हॉरिजॉन्टल वाला आप लोगों को वर्टिकल वाला ऑप्शन है वो मिल जाता है लेकिन चाइना का जो अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को iOS स्टाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंडिया और चाइना, इंडिया का और ग्लोबल का अपडेट है उसके अंदर कुछ इस तरीके का है और जो चाइना का अपडेट है उसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो रिसेंट मेन्यू है ना वो देखने को मिल जाता है। सो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना वहाँ पर शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो है ना वहाँ पर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और गाइज आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग हमारा मेन टेलीग्राम का चैनल है इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट आ जाता है आप लोगों को सबसे पहले न्यूज है वो यहीं पे देखने को मिल जाती है। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।